गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चले साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, यानी कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। चले आगे देखें। टू फाइंड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ वाटर वी इलेक्ट्रोलाइज इट, यानी कि जल किन किन अवयवों से मिलकर बना है इसे जानने के लिए उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है बच्चों, जल में है ना, उनके अवयवों को जानने के लिए विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यक सामग्री। अ वाइड माउथेड प्लास्टिक बॉटल, यानी कि चौड़े मुँह वाली प्लास्टिक की बॉटल। नाइफ, चाकू और रबर कॉर्क विथ टू होल्स, यानी कि एक रबर का कॉर्क चाहिए जिसमें दो होल होनी चाहिए। अ स्टैंड, एक स्टैंड। सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर। टू कार्बन रॉड, यानी कि कार्बन की दो छड़ें। टू टेस्ट ट्यूब विथ कॉर्क, दो परख नली चाहिए जिसमें कॉर्क लगा हो। आगे लिखा है बैटरी 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी चाहिए। और एक मैच बॉक्स चाहिए, यानी कि माचिस की डिबिया चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू डू दिस एक्सपेरिमेंट टेक अ वाइड माउथेड बॉटल एंड कट आउट इट्स बॉटम। देखिए बच्चों, लिखा है कि इस प्रयोग को करने के लिए चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बॉटल लेकर है ना, उसकी तली को काट दें। ठीक है, बॉटम को काट देना है। आगे देखते हैं। नाउ पुट द कॉर्क विथ द टू होल्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल एंड इंसर्ट द टू कार्बन रॉड इन द होल्स। ठीक है बच्चों, अब लिखा है कि बोतल के मुंह पर दो छिद्र वाला रबर कार्क लगाकर इन छिद्रों में कार्बन की दो छड़ें लगा दें। ठीक है, आगे देखते हैं। सेट अप द अपार्टस एज फिग, सॉरी, सो इन फिग 2.4। ठीक है, यानी कि जो चित्र 2.4 में दिया गया है उस तरीके से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। यह है 2.4। ठीक है, लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जल का विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो बॉटल है ना, उसको अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, और कार्बन का रॉड लगा हुआ है। कार्बन रॉड यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखिए, और यहाँ से है ना, ये रहा कार्बन का रॉड, यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से क्या करना है, प्रयोग को करते समय अरेंज करना है। ठीक है, यानी कि सभी जो पार्ट हैं है ना, जो हम लोग आवश्यक सामग्री जो लिए हैं उनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल द इन्वर्टेड बॉटल अप टू 2/3 विथ वाटर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि बॉटल में है ना, जो बॉटल है उसमें 2/3 जल भरकर, ठीक है, कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। आगे देखते हैं। नाउ फिक्स द टू टेस्ट ट्यूब ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इंश्योर दैट द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या लिखा है कि जल से भरी है ना, जो कांच की दो परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोड पर इस प्रकार उल्टा रखें या व्यवस्थित करें कि उसमें जल पूरा भरा रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। कनेक्ट द टू इलेक्ट्रोड टू एंश्योर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत धारा के स्रोत बैटरी से जोड़ दें। ठीक है बच्चों, क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड हैं उनको बैटरी से जोड़ देनी है। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम बबल ऑफ गैस स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स एंड कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कि कुछ देर बाद गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोडों से उठकर परख नली में एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इज द अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड
इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इक्वल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या दोनों परख नलियों में गैसों का समान आयतन एकत्रित हुआ। ठीक है, आगे देखें, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब वुड बी ऑलमोस्ट डबल ऑफ दैट इन द अदर टेस्ट ट्यूब। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि एक परख नली में दूसरी परख नली की अपेक्षा दोगुनी गैस एकत्रित होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस की मात्रा होती है ना, वो अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि एक जो टेस्ट ट्यूब रहता है ना, उसमें दूसरी परख नली से दोगुनी गैस एकत्रित होती है। आगे देखते हैं, व्हेन द फास्टर फिलिंग टेस्ट ट्यूब इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ गैस, रिमूव इट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड बाई पुटिंग योर थंब ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब क्या करना है, जब परख नली में ठीक है गैस पूरी तरह भर जाए, तब उसके मुंह पर अंगूठा लगाकर परख नली को इलेक्ट्रोड से हटा लें। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा है, क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ अ कॉर्क, यानी कि जो परख नली के मुंह है ना, उसको कॉर्क द्वारा बंद कर दें। आगे लिखा है, टू टेस्ट द गैस टेक अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यानी कि एकत्रित जो गैस है ना, उनका परीक्षण करने के लिए परख नली का कार खोलकर ठीक है जलती माचिस की तीली ले जाएं। ठीक है बच्चों, तीली को जलाकर उनके मुंह के पास, यानी कि परख नली का जो मुंह है ना, वहां पर आप लोगों को ले जाना है। आगे देखते हैं, द गैस बर्न विद अ ब्लू फ्लेम एंड अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए आगे क्या लिखा है कि जो तीली है ना, नीली लौ के साथ जलती है तथा पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन द अदर टेस्ट ट्यूब गेट फिल्ड रिमूव द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इन द सेम वे। ठीक है, अब आगे लिखा है कि जब दूसरी परख नली गैस से भर जाए, तो जो पहले हम लोगों ने किया था है ना, जो पूर्वानुसार है, उसे भी हटा लें। ठीक है, यानी कि परख नली को भी हटा लेना है, और टेक अ स्मॉल्डरिंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यानी कि जो परख नली है ना, उसके मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे लिखे हैं, व्हाट हैपन, यानी कि क्या हुआ। ठीक है, व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग विथ दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर लिखा है कि जो मैच स्टिक है ना, यानी कि जो माचिस की तीली है, वो क्या होती है, जलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है बच्चों, जब माचिस की तीली को हम लोग परख नली के मुंह के पास ले जाते हैं, तो वह तेज़ी से जलने लगती है। आगे लिखा है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना, ऐसा ऑक्सीजन गैस के कारण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है, बाई दिस वी कैन सी दैट वाटर इज फॉर्मेड बाई द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। ठीक है, यानी कि जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग किए रहते हैं, यानी कि दोनों मिले रहते हैं। आगे लिखा है, तथा इसमें आयतन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगुनी होती है।
ठीक है बच्चों, जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से दुगुनी होती है। ठीक है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को यह पता चला कि जल में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। थैंक यू।